Hello and welcome to all of you. Today we will continue our discussion regarding the process of elections in India. As I already told you that there is an independent constitutional body known as Election Commission, which has got the powers of superintendence, control and conduct of whole process of elections. Chahe wo state level pe hai ya national level pe general elections ki baat ho. तो सबसे पहला काम जो होता है इलेक्शन कमीशन का दैट इज़ अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स ऑफ इलेक्शंस. तो पहला काम इलेक्शन कमीशन करती है कि डेट्स जो होते हैं इलेक्शन के उनका तायुन किया जाता है. तो इसके बाद जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करती है, जिससे हम बोलते हैं कि पार्टी टिकट देती है अपने अपने कैंडिडेट्स को. तो जो डिफरेंट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आते हैं तो कैंडिडेट्स फिर जिनको पार्टी टिकट मिलती है या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होता है तो उसका सबसे पहला काम होता है फाइलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स. नॉमिनेशन पेपर्स वो फाइल करता है तो उस वक्त उस कैंडिडेट के लिए लाजमी करार दिया जाता है कि वो कुछ डिटेल्स शेयर करता है. जैसे अगर उसके अगेंस्ट कुछ क्रिमिनल केसेस हैं या एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो भी हैं उसके या उसके फैमिली मेंबर्स के, एट द सेम टाइम वो डिस्क्लोज करता है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स बाय द कैंडिडेट्स. तो इसके बाद जो मरहला आता है इलेक्शन कैंपेन का, जो कैंडिडेट्स हैं या पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन कैंपेन करते हैं टू एजुकेट वोटर्स, वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए. तो अपने जो प्रोग्राम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं उनको हाईलाइट करती है थ्रू पॉलिटिकल रैलीज, रोड शोज़ एट्सट्रा. एट द सेम टाइम वो होर्डिंग्स लगाती हैं, एडवर्टाइजिंग बैनर्स, पोस्टर्स, तो जिसमें वो हाईलाइट करते हैं कि उनके पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स क्या रहेंगे, साथ साथ जो इश्यूज़ हैं वोटर्स के तो उनको एड्रेस करने की बात करती है. जैसे पॉवर्टी की बात करते हैं, करप्शन या अनएम्प्लॉयमेंट, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम कैसे करेंगे या एम्प्लॉयमेंट कैसे हम देंगे यूथ को. इसी तरह जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इन तरह इस तरह की जो इश्यूज़ हैं उनकी बात भी होती है. तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको बैन किया जाता है ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, जैसे मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के ज़रिए. तो जो वोटर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर बैनड. जैसे कि वो थ्रेट नहीं कर सकते हैं वोटर्स को, या उनको रिश्वत नहीं दे सकते हैं, ब्राइब नहीं कर सकते हैं. इसी तरह मज़हब के नाम पर या ज़ात पात के नाम पर वोट्स को तलब नहीं किया जा सकता है. इसी तरह गवर्नमेंट रिसोर्सेज, जो जिस पार्टी की अभी हुकूमत चल रही है वो पार्टी गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशल्स या गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स हैं या बाकी जो रिसोर्सेज हैं, कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी है, उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ नहीं कर सकती है ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. इसी तरह एक कैंडिडेट, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन की बात हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख वो स्पेंड कर सकता है. एंड इफ़ इट इज़ एन असेंबली इलेक्शन तो ही कैन स्पेंड एन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. तो इलेक्शन कैंपेन की बात हुई. तो उसके बाद इलेक्शन कैंपेन जब चलती है तो उस वक्त एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी अमल में लाया जाता है. तो वो पहले ही इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया होता है कि आपका जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों पे बैन लग जाती है. जो ही इलेक्शन के डेट्स जो हैं, मतलब वो अनाउंस होते हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इनफोर्स रहता है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया होता है. उसमें कुछ चीज़ें वाज़ह तौर पे ममनू करार दी जाती हैं, जैसे किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना, या गवर्नमेंट
व्हीकल्स या ऑफिशियल्स या एयरक्राफ्ट इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना, इसी तरह कहीं पे संगी बुनियाद रखना किसी इमारत का, किसी ऑफिस का या पुल का या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसे एक पर्टिकुलर पार्टी को एडवांटेज हो, तो दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उसके बाद पोलिंग का डेट आता है, तो पोलिंग के दिन जो भी 18 साल या 18 साल के ऊपर के उम्र के लोग हैं, इररेस्पेक्ट ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन और कलर, दे कैन एक्सरसाइज वन वोट इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। तो पोलिंग में जो इलेक्शन कमीशन ने अरेंजमेंट्स किए हुए होते हैं, पोलिंग स्टेशनस होते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वोटर्स इन द नियर बाई प्लेसेस, नज़दीक नज़दीक में पोलिंग स्टेशनस होते हैं, तो वहाँ पे फिर ऑफिशियल्स होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं पूरा इलेक्शन का जो अमल होता है उस दिन। यूजुअली इंडिया में ईवीएम्स का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उसके ज़रिए पोलिंग होती है, पोलिंग का मतलब है वोटिंग होती है। तो इसके बाद जो अमल होता है वो होता है काउंटिंग ऑफ वोट्स, फिर काउंटिंग की जाती है, उसके बाद जो विनर्स हैं उनका ऐलान किया जाता है, डिक्लरेशन ऑफ विनर्स। तो यूजुअली जो लूजिंग कैंडिडेट होता है वो एक्सेप्ट करता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और कंग्रेचुलेट करता है जो विनर कैंडिडेट होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है। तो इस तरह इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात आती है, वेदर इट इज़ ए स्टेट इलेक्शन और इट इज़ लोकसभा इलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम।